ओ गैंडी, तो मैं इधर चाय वाला हूँ, मैं कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ जो सबको स्पेलिंग सुनाता फिरूं। आपने कभी बचपन में ऐसा किया, कभी कोई चोरी कर ली हो और किसी ने पकड़ लिया और आपने कहा ताता तुम आओ शक्ति के बूते? आज दिन खराब है भाई कपिल का। नहीं नहीं, कल से जो इनके लिए बनती है वो कटेंगी ना, रिहर्सल में कुछ और करते हैं, यहाँ पे आप कुछ और बोलते हैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं, मैं सल्यूट नहीं मार रहा, मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है। सिद्धू साहब, मैंने कानून अपने हाथ में ले लिया है। अच्छा? नहीं मतलब उस तरीके से नहीं, एक्चुअली क्या है, देश में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, पुलिस कम पड़ रही है, तो हमने अपना थाना खोला है, चार पांच घंटे ड्यूटी करेंगे आराम से, थोड़ा डिक्टेटर टाइप रहना है हमने। पहले ये बता, नाम तेरा शमशेर है कि नहीं? नाम मेरा कप्पू है, मैं शमशेर की एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है फिर, सैलरी मैं डेली लूंगा। ठीक है, जनता से ले ही लेनी हमने, पीछे एटीएम है हमारा, कांस्टेबल खड़ा है, जैसे किसी ने पैसे निकलवाए हमने सैलरी ले लेनी है। ये ठीक है। आप सोच रहे होंगे मेरी आवाज कैसे भारी होगी, शुक्र कर आवाज ही भारी हुई है। मैं तो कहता हूँ सिद्धू साहब मेरा पाँव भारी हो जाए, 6,000 मिल रहा है। खैर, थाना हमने खोल लिया है, शांतिवन का अपना पुलिस थाना है, भर्ती शुरू करते हैं। सावधान, क्राइम पेट्रोल। वो एपिसोड में कल आएगा कि एक आदमी गंदी गालियां सुन के मर गया। शट अप। देखो मेरी बात सुनो, ये जो पुलिस का काम होता है ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है, इसके अंदर जान भी जा सकती है। ओहो, जान तो जा रही, जान बात तो सुनो। हेलो जान, जान इधर, मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी सी एफआईआर लिखी, सुनती तो जाओ। आपने नहीं तो कम से कम इस कॉस्ट्यूम को इज्जत दे दो। मेरी बात सुनो, 250 भाड़े पे लाए, शाम को 500 नहीं कमाया ना, तो लानत है ऐसे हुसन पर। चलो फटाफट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इधर लोमड़ी जैसे बाल रखने वाले भाई साहब, इधर बड़े बड़े रहो, ये बाल कटवा के आओ आप अपने। मेरे बाल दिख रहे हैं, उसके बाल नहीं दिख रहे, इतने लंबे लंबे। इसके तो खेलने के लिए हैं। अच्छा, और मेरे बाल, मेरे बाल तुम्हारे भी खेलने वाले, चूहे तो छोड़ो अंदर उसके अंदर, बदतमीज। और तुम इधर आओ, तुम्हारा क्या कटवाए यार, तुम एक काम करो, तुम जाओ और अपना मुंह कटवा के आओ, जाओ फटाफट। ये जो गुल्लक जैसा मुंह है ना सारा। कमिश्नर से तमीज से बात करो। अच्छा कमिश्नर, चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। बोल बोल जल्दी बोल यार। हद है, मैं इधर मैं एज ए डिक्शनरी पढ़ती हुआ हूँ, जो हर चीज के स्पेलिंग पूछते रहते हो आप। ये अच्छा है, डिक्शनरी की स्पेलिंग ही सुना दो। ओ गैंडी, तो मैं इधर चाय वाला हूँ, मैं कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ जो सबको स्पेलिंग सुनाता फिरूं। देखो मेरी बात सुनो, डोनाल्ड डक जैसा तुम्हारा मुंह, और तुम बातें डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हो, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आई। देखो देखो, जिस जिसकी जो जो काबिलियत है उसी हिसाब से रैंक होगा। चंदू हाँ जी, डॉक्टर हाँ जी, बम्पर नानी, तुम सारे अनफिट हो, तुम लोग कांस्टेबल, और खूबसूरती के हिसाब से मैं इंस्पेक्टर। अच्छा, खूबसूरती के हिसाब से तो इसमें भी कोई कमी नहीं है। नहीं बताना आपने कुछ, नहीं नहीं आपने इसकी बात नहीं सुनी, आप अपना पूछो। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी तो कमियां मेरे को पता है ना, बहुत ज्यादा है, फिर सबके सामने मजाक उड़ाएगा, लोग हंसेंगे। बस कर बुढ़ाऊ बस कर, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा आइडिया ही होगा तेरे पास, अमिताभ बच्चन तो होंगे भी नहीं। मैंने ना तुझे सीनियर थप्पड़ मारना है, समझा बुढ़ाऊ। मैं क्या कहती हूँ, पर्चियां डालते हैं, जिस पर्ची में जो निकलेगा हम वो बन जाएंगे। चलो ठीक है, फटाफट चलो। चंदू तेरी पर्ची मेरे पास आ गई, देख नेवला लिखा है। और तेरी मेरे पास आ गई, लिखा कुछ नहीं, भालू बनाया हुआ किसी ने। अच्छा नानी की पर्ची मेरे पास आ गई। अच्छा लिखा पुट्टी के बाल।
मेरी पर्ची मेरे पास आ गई। क्या लिखा है? गंदी गंदी गालियां लिखी है। मेरा पर्ची किधर गया? तेरा पर्ची इधर आ गया। क्या लिखा है? कुछ नहीं, ऐसे लिखा है कप्पू, फिर लिखा है लॉटरी और बीच में लिखा हुआ वेड्स। तुम दोनों आपस में शादी करा रहे हो, मेरे को बताया भी नहीं। डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? बड़ी बेटी यहाँ पर कुंवारी बैठी है और आप छोटी बेटी के कन्यादान की बातें कर रहे हैं? ये मेरी कुलीग है, तू मेरी किधर से बेटी होगी बे? मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ। गोद? तुझे गोद? तुझे तो गोदाम लगेगा। गोद कहाँ से ले सकता है तुझे कोई? चंदन कांस्टेबल, नानी लेडी कांस्टेबल, बम्पर लेडी कांस्टेबल, लॉटरी सीनियर कांस्टेबल। मेरा क्या हुआ? मेरा रिजल्ट बता। कप्पू हेड कांस्टेबल और डॉक्टर इंस्पेक्टर। साहब मैं इंस्पेक्टर बन गया। कमाल है यार, बधाई हो। आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं उनको अरेस्ट कर लेता। मेरे को ना उन्होंने साइकिल ही नहीं लेके दिया, लारा लगाए रखा। मैं लेके दूंगा, लेके दूंगा। मैंने डंडा दिखा देने था पिताजी को। एज इंस्पेक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। नानी जी जनाब, एंड यू बम्पर दोनों जाओ, थाना शुरू हुआ है, कोई कस्टमर ढूंढो, बोने का टाइम है, जाओ केस सॉल्व करेंगे। जाओ। जी जनाब। ओके सर। हमें क्या करना है सर, बताइए। सुनिए हवलदार चंदू। जी जनाब। दो कप चाय लेकर आओ मलाई मार के। ये फिर चाय वाला काम दे दिया आपने। कपो जेल को देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा है प्रॉब्लम, सफाई करो इसके। इंस्पेक्टर साहब। यस। मैं चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को लॉटरी मेरे साथ लीड करे। व्हाई? गिव मी अ रीजन। बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है, घट्टा अंदर गया, मिट्टी अंदर गई, जान भी जा सकती है। और दूसरा, हमारे देश की लड़कियों को मौका मिलना चाहिए और लड़कों को भी थोड़ा थोड़ा। वुमेन एंपावरमेंट, कैरी ऑन। लाइट म्यूजिक। देश की लड़कियों को मौका दे रहे हो कि खुद मौका ले रहे हो? चलो चलो बाहर, बाहर चलो। इसके पीछे निकल जाओ, उधर तो जाने दो। चलो रुको। पूरी सफाई भी नहीं होने दी, बदतमीज। इंस्पेक्टर मैं हूँ, सफाई मैं करूंगा। जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है? जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है? तुम बंदो, हम तुम नहीं है। What is this? मैं तेरे को तनख्वाह इस बात की देता हूँ, तू मेरे को बंद कर दे। ये देखिए, हम किसे लाए हैं? ये कैसा थिन क्रस्ट आदमी ले आई तुम? बंपर,
एक काम करो, इसको अपने मुंह से थोड़ी सी हवा डोनेट करो। चलो नहीं नहीं हवा नहीं, इसको ब्लड देना पड़ेगा। अरे आपको पता नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है ये, थाना उड़ाने की बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हो, तू थाना, तू किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता, तू थाना उड़ाएगा हैं? एक बात बताओ मुझे, खाना वगैरह कैसे खाते हैं, प्रोसेस वगैरह पता है तुम्हें? ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ, इसको परेशान कर रहे तुम, इस पर रिसर्च करो, ये चल फिर कैसे रहा है, तुम लोग परेशान कर रहे हो उसको। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड के बच्चे, तुझे लॉयर नहीं, तुझे पुलिस वाला बनाया, पुलिस वाला। अच्छा, मुझे जो मर्जी बनवा दो, मंगवानी तो आपने चाय होती है ना। इंस्पेक्टर मैं हूँ। आवाज नीचे। एक यार, तुमने इंस्पेक्टर बनाया तो मेरे को थोड़ा सा रॉब तो जमा लेने दो यार। चलो ठीक है, चलो एज इंस्पेक्टर आई वांट कि तुम मेरे थोड़ा सा लूट लूट मारो, मेरे को थोड़ा सा। हां अनपढ़ो, रुको, स्टॉप इट, स्टॉप इट, अनपढ़ हो क्या तुम, अकल नहीं है क्या? सलूट ऐसे मारते हैं, पता भी नहीं है, सलूट इधर ऐसे अपने मुंह पे मारते हैं। अच्छा। उसके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमको पता भी नहीं चला। मैंने साफ देखा है, इनकी नहीं आपकी बेइज्जती हुई है। भाई चुप कर रहे, मैंने मेरी बेइज्जती हुई है कहता बताया है। देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप लोग और परेशान क्यों कर रहे हैं, मैंने किया क्या है? 25 ग्राम डेली की ऑक्सीजन वेस्ट करने वाले प्राणी, इधर तेरी शक्ल ही मुजरिम जैसी, कबूल कर कि तू मुजरिम है, कबूल कर, अरे कबूल कर मुजरिम है तू, कबूल कर, नहीं तो मैं ए इसका घुटना मरवा दूंगा तेरे। अरे कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, हां कबूल है, कबूल है, मुझे भी कबूल है। हैं लेकिन इस बात पर मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। हेलो, ईंट से ईंट बजाना, बंपर को कुछ कहना, मैं सीमेंट वाले थप्पड़ मारूंगा तेरे। सर सर, मेरे पिताजी गुम हो गए हैं, मैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था। देखो एक काम करते हैं, जब तक हमारे ठाने की बोनी नहीं होती, हाँ। इस आदमी को रख लो इधर, इधर जेल में पड़ा रहेगा, थोड़ा भरा भरा लगेगा, लोगों को लगेगा सीरियस ठाना है। चलो इधर। अरे एक मिनट, एक मिनट, क्या अंदर रख रहे हो, मुजरिम है, पहले इसकी तलाशी तो लो। तलाशी लो चंदू, फटाफट तलाशी ले, तलाशी ले। 5,090 रुपए के आदमी, तुम्हारे पास 5,000 रुपए कहां से आ गए? इस 40 रुपए के आदमी से कहो मुझसे ठीक से बात करे। ओहो, 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 ओहो। एटीएम से निकलते 4,500, तेरी जेब से 5,000, तू देश के एटीएम से बड़ा है? हैं? पुलिस, 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 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। पुलिस, मुझे पापी चाहिए। ओ, ओ, मैं दूंगा, ऐसी बातें ना कर, मारना तुम्हें हमें। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। क्यों, आप अनपढ़ हैं, खुद नहीं लिख सकती? एक्सक्यूज मी, वाटरमेलन जैसी औरत, जितनी खराब आपकी शक्ल है ना, उससे ज्यादा खराब मेरा दिमाग हो रहा है। देखिए मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ, प्लीज। लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है वो उसकी रिपोर्ट लेडीज पुलिस लिखती है, तो रजिस्टर पड़ा, चलो इधर आ जाओ फटाफट। चलिए लेडीज पुलिस को लिखना पड़ेगा। जी जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? बताइए क्या प्रॉब्लम है, डंडे मार मार के कर देंगे जो भी करना होगा। ये क्या है, ये तो आप नकली औरत बने हैं। तो तू असली है क्या? तू भी तो नकली है। एक मिनट, हाय माइसेल्फ इंस्पेक्टर, एंड रिपोर्ट मैं लिखूंगा। देखिए 3 स्टार मेरे लगे हुए हैं यहाँ पे। और 5 स्टार इधर लगे हुए हैं। देखिए मेरे पास स्टार कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास सोनी है, आजकल यही चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। आपको पता है, मैंने बातों बातों में आप लोग बहस कर रहे थे, मैंने आपकी रिपोर्ट लिखी भी थी कि इसने दारू पी के आपको छेड़ा है। अरे मैंने नहीं छेड़ा है भाई, इतनी खूबसूरत लड़की क्या कमी है उसमें, डाले इसको अंदर जेल में। हवलदार लोगों, तुम इनकी रिपोर्ट लिखो, मैं मैडम की रिपोर्ट लिखता हूँ। कैन आई हैव योर रिपोर्ट प्लीज? यस प्लीज, टेल मी व्हाट हैपेंड। सर मेरी बात सुनिए, मेरे होते हुए इंस्पेक्टर साहब कैसे रिपोर्ट लिख सकते हैं, आपका काम मैं कर दूंगा, आइए मैं आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ। एक मिनट, इंस्पेक्टर कौन है, इंस्पेक्टर कौन है,
आप हाँ तो मैं भूल गया था दवाई खाना ना, आज तो मेरे को याद नहीं आता जब तक मैं दवाई नहीं खा। मैं इंस्पेक्टर हूँ, हवलदार कौन है? चाय लेके आओ, रिपोर्ट मैं लिखूंगा, आइए रिपोर्ट मैं लिखता हूँ। अबू शर्मा आप कुछ कहते क्यों नहीं है? गिलास धो के लाना, मीठा लग से लाना। जा रहा हूँ फिर मैं। डॉक्टर गुलाटी रिपोर्ट जो है वो कांस्टेबल लिखता है, इंस्पेक्टर नहीं। मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। मैं इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा मैं लूंगी। अरे अगर ठीक ठीक लगा तो दो एक मैं भी ले लूंगी। बेवकूफ औरत, इस्तीफा मतलब त्याग पत्र। ए त्याग पत्र के स्पेलिंग? त्याग पत्र के शब्द होते हैं, स्पेलिंग थोड़ी होते हैं इसके। चलो देखो मैं काम छोड़ रहा हूँ। हेलो सोच लो, ये यूपी नहीं है कि यहाँ से एक बार निकल गए तो पार्टी में दोबारा ऐसे एंट्री हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं 1200 से कम में नहीं मानता। थाने का बंटवारा होगा, मेरा थाना इस तरफ, आपका थाना इस तरफ, वो लेडीज मुजरिम भी मेरी तरफ, चलो नानी मेरी तरफ। बंपर तुम मेरी? हाँ मैं आपकी हुई, आज तक मैं अपने बाप की नहीं हुई लेकिन मैं आपकी हुई। सुनो लॉटरी, थाने का विभाजन हो गया है, तुम मेरा साथ दोगी? नहीं मैं डॉक्टर के साथ हूँ, मैं उनकी गदर नहीं कर सकती हूँ। गदर नहीं गदारी कह ले माँ मेरी। मैं डॉक्टर के साथ हूँ, मैं उनकी गदारी नहीं कर सकती हूँ। सैलरी डबल दूंगा मैं। इंस्पेक्टर कपू। हेलो हिंदी बोलते हुए तो अटक गया, बेईमानी तूने फ्लो में किया। डॉटरी तुम आज से मेरे थाने में हो, ये लो तुम्हारा ऑफिशियल लव लेटर। लव लेटर नहीं, जॉइनिंग लेटर होते हैं। देखो इधर आओ मेरी बात सुनो, जैसा तुमने, जैसा तुम्हें भगवान ने बनाया ना, जितना खूबसूरत बनाया उस तरीके का बिहेव किया करो, नहीं तो अगले एपिसोड में दाढ़ी लगा के सिद्धू जी की दादी बना दूंगा मैं तुम्हें। चंदू हाँ जी इधर आओ। देते हो, नानी लॉटरी मेरी तरफ है। हाँ जी। तुम्हें अगर ज्वाइन करना है तो 3 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई करो, नहीं तो तुम्हें 5000 साल तक के लिए वैकेंसी नहीं मिलेगी। 3 सेकंड तो हो गए, आ जाओ फिर। ठीक है भाई। वैसे भी ओरिजिनल लड़कियां इधर है, मैं उधर खा नहीं है। अब हो गया मेरा थाना बड़ा, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इनकी तलाशी लो। एक मिनट रुको, करो क्या क्या बरामद होता है। बात सुनो, मैं घिर चुका हूँ ठीक है, पर तलाशी क्यों यार? हाथ ऊपर करो। आई एम टिकलिश। रुको, हिलना नहीं। सर जी इनसे एक बेल्ट बरामद हुई है। अरे बेल्ट तो सबके पास होती है यार, मेरे से क्या बरामद हुई है? लेकिन आपके बेल्ट के नीचे पेंट भी है और बिलो द बेल्ट चीजें इस शो में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गॉड, आप लोग मेरे कुत्ते को ढूंढेंगे या फिर मैं कमिश्नर से बात करूं? एक तो लड़कियों को बात करने में पता नहीं क्या मिलता है, हर बात बात ही करती रहती है, और नहीं तो कमिश्नर से टाइम पास कर लेती है। मेरी रिपोर्ट लिखी है वरना मैं एसपी साहब से बात करूं? नहीं नहीं पहले मेरी रिपोर्ट लिखी है। एक मिनट, एक काम कर देना, चित्र बना लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। ठीक है चलो आ जाओ। देखिए हाँ हाँ, तो आप जरा हुलिया बताइए, हुलिया बताइए। पापी जो था ना उसकी लाल नाक थी, लंबे कद के, लंबे कद के। अच्छा और नाक हमेशा बहती रहती है। बोलो बोलो। और आंखें बाहर निकली। बोलो बोलो। और बहुत लंबे लंबे बाल। बोलो बोलो। और फरी बाल। और पता नहीं कुछ भी करते रहते हैं। बोलो। बहुत मारते हैं। बोलो। ये लीजिए, हो गया हो गया हो गया, आपने जैसा बताया है ये रहा चित्र। खबरदार, जो मेरे कुत्ते को आदमी से कंपेयर किया तो कुत्ते वफादार होते हैं। बिल्कुल बाकायदा। वाह बहुत बहुत अच्छी बात बोली। तुम्हें किस बनती है? हेलो किस कलर का था वो? ब्राउन। कुत्ते की शादी हो गई थी जी? नहीं जी, वो तो पप्पी था ना, उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा अच्छा, उसका कोई पैन कार्ड वगैरह हो, आधार कार्ड टाइप? कुत्ते का पैन कार्ड कैसे होगा? मतलब कुत्ते को देश के कानून पे विश्वास ही नहीं है, तभी कुत्ता पैदा हुआ, नहीं तो बिल्ली भी हो सकता था। देश का कानून, बड़े देश के कानून के बारे में बात कर रहे हैं आप, मैं आपको समझाती हूँ कानून। आपको पता है मैं कौन हूँ? कौन? खूबसूरत। मैं कमिश्नर साहब की बेटी हूँ। ये क्या है,
मेरा आई कार्ड। अच्छा देख लो भी लड़की है खूबसूरत, ये डाइटिंग करती है, फिर दिमाग चलता नहीं, किसी ने दे दिया ले भी आई, फिर कमिश्नर का आई कार्ड होगा, बेटी का आई कार्ड कौन सा होता है ये। चलो तुमने कह दिया है तो हम तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर भागे एक मेरे ख्याल से भागते हैं, तो तुम ना भागना, तुम खत्म हो जाओगे। चलो भाई 1 2 3 भाग जाओ। अरे भाई मैं कौन हूँ, अरे मैं कौन हूँ, अरे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, हाँ जी, पहले तो मुझे पता नहीं होता, तक नहीं होता था, आजकल बड़ा ये होता है, आदमी प्यार से अपनी बीवी को बुलाता है ना, जानू, ओके बेबी, ओके जानू, ये बात अलग है कि उसी ने सबसे ज्यादा जान खाई होती है उसकी। आपको तो पता ही है। तो मेरे को तो बड़े अरसे से पता है। लेकिन बेचारा करे तो करे क्या पाजी, आदमी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है बीवियों की। बिल्कुल। एक ऐसा ही ऑन स्क्रीन कपल है पाजी, जो ओके जानू इस टाइटल के अंदर एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बना के आए हैं, और इस फिल्म को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि लोगों को अपने जानू प्यारे लगने लगेंगे, बाकी डिपेंड करता है किसी का जानू किसी तरह का, किसी का किसी तरह का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल श्रद्धा कपूर एंड हैंडसम आदित्य राय कपूर। सर वेलकम। शाम गुलाबी, दिल जवां और मौसम हसीन हो गया है। वाह, आदित्य को देखकर लड़कियों का चेहरा रंगीन हो गया है। वाह, पुराने लैंडलाइन सा बज रहा था दिल का टेलीफोन, श्रद्धा के सामने आते ही लेटेस्ट टच स्क्रीन हो गया है। ये जो आपने प्यार मोहब्बत में टेक्नोलॉजी यूज की है, आई लाइक दिस मैन। आदित्य और श्रद्धा के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर। आइए, ट्रेलर देखा ओके जानूंगा, कैसी लगी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, ट्रेलर इतना अच्छा लगा मैंने 90 बार देखा। और मैंने कल ही रियलाइज किया, श्रद्धा तुम बड़ी हो गई हो। मतलब काफी अच्छा था। अच्छा हम्मा हम्मा सॉन्ग पाजी, हम्मा हम्मा आपने भी सुना ना? हो क्यों नहीं, आप हालांकि गाने बड़े कम सुनते हो। कमाल कर सुनाओ पाजी दो लाइनें। हम्मा 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 आगे आता नहीं, मैं क्या करूं भाई, आता इतना ही आता था मुझे बस। पाजी क्या बात है, क्या ताल में आप, सुर का तो मैं गारंटी नहीं लेता पर ताल में आप। मैं तो मतलब तू मौका नहीं देता, सारे गाने तू ही गा देता है, अगर मुझे तू मौका दे मैं तो फक्की उड़ा दूं। क्या बात कर रहा है तू। तो ये गाने ने पहले ही एक्चुअली दुनिया को बड़ा दीवाना बनाया था, जबरदस्त। और ये गाना दोबारा से इनकी फिल्म में है, नए तरीके से है। जब आपको पता चला कि आपको हम्मा हम्मा पे दोबारा परफॉर्म करना है, तो आपका क्या रिएक्शन था? बाय द वे ओके जानू नहीं था, ओके था, इतनी प्रेशर थी ना, बिकॉज इट्स सच अ फेमस सॉन्ग, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा था। वी फेल कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस गाने को लेकर, वी हैड टू स्टेप अप टू द प्लेट। तो फिर जब आपको पता चला कि एक ही बेड पे पूरा गाना करना है, ओके जान। आशिकी 2 पारी सुपर डुपर हिट हुई, इनका एक बड़ा ही खूबसूरत लव ट्रैक था ऑलरेडी, मतलब ये लव स्टोरी जो है ट्राइड एंड टेस्टेड थी। तो फिर इस फिल्म में इतने किस करके एक दूसरे को मतलब टेस्ट करने की क्या जरूरत थी? आपको याद नहीं है? है एक्चुअली, हाँ हाँ, एक दो है ना, तो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी। एक दो नहीं थे, मैंने 19 गिने हैं। पर ट्रेलर में तो इन्होंने 90 बार देखी है ना ट्रेलर, तो मल्टीप्लाई सब कुछ कर उस हिसाब से तो 190 हो गए ना। 90 नहीं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी खराब है, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। अच्छा इस फिल्म में सॉरी टू मतलब आई मीन दोबारा बात करने जा रहा हूँ, इस फिल्म में एक किस आपने अंडर वाटर भी किया है, तो वो हाइजीनिक होता है? आई मीन क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट होता है, तो आई थिंक वो बैड ब्रेथ, फिर च्युइंगम की जरूरत नहीं पड़ती, बैड ब्रेथ होने का और
एक्चुअली आप ब्रीथ भी नहीं कर सकते अंडर वाटर तो ब्रीथ नहीं कर सकते किस कर सकते हैं पर बहुत अच्छा लगा वो भी इट वॉज लवली तो फिल्म में सिर्फ किसी देखता है हाँ जी मैं ईमानदार मैं साफ बताता हूँ श्रद्धा आपने इस फिल्म में वो जो आप कोल्ड ड्रिंक उठाती हैं गाड़ी में से बड़ी क्यूट लगती हैं खूबसूरत लड़की चोरी करती भी अच्छी लगती है ऐसा लग रहा है कुछ चुरा के लेके जा रही बड़ा अच्छा आंखों को लग रहा है आपने कभी बचपन में ऐसा किया कभी कोई चोरी कर ली हो और किसी ने पकड़ लिया और आपने कहा ताता तुम आओ शक्ति की बूटी है ऐसा कभी हुआ फिर बोलियो क्या बोला नहीं कभी होता है बचपन में तो आदमी शरारतें करते हैं क्या ए आपने ये क्या उठा लिया तत्त ना आओ आई लव शक्ति सर कभी ऐसा नहीं हुआ तू मुझे हंसते हंसते चोरी करने देना ना फिर मेरे पापा पुलिस में थे ना तो मैं थोड़ा थोड़ा यूज कर लेता था उनकी पोस्ट मैं कि मेरे पापा पुलिस में तो मास्टर दो डंडे कम मारता था तो आपके पापा इतने मशहूर विलेन जी तो मतलब आपने कभी उनके नाम का ऐसे जबरदस्ती फायदा नहीं मतलब आई थिंक वो है मेरे खून में लेकिन जब मैं छोटी थी मैंने मतलब ये ग्रीटिंग कार्ड के दुकान होते थे ना तो वहाँ पे जाके आई डोंट नो ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ ग्रीटिंग कार्ड चोरी करती थी बचपन में ग्रीटिंग कार्ड अभी ज्यादा डिटेल्स तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मुझे पूरी छानबीन करनी है अच्छा बचपन में ग्रीटिंग कार्ड कौन मतलब लेता है कोई शायद होता था जानू अच्छा ओके जानू फिल्म का टाइटल है मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ फटाफट आपको बताना है कि किन किन बातों के लिए आप ओके जानू और किन किन बातों के लिए ओके सॉरी बोलेंगे ओके सॉरी हाँ अच्छा ओके ठीक है सर तो ये मैं आपको देता हूँ बकायदा आपकी हेल्प के लिए हमने बहुत खर्चा किया आपकी एपिसोड के लिए तो इस तरफ ओके जानू है इस तरफ सॉरी जानू है ओके So, आपने हमने अमेरिका से बनवाए हैं थैंक यू अमेरिका बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं यार अमेरिका में जगह है ना जो कांदीवली सोने के बने ये आप दोनों के लिए है कि डार्लिंग मेरी मम्मा एक महीने के लिए यहाँ आ रही हैं उन्हें एयरपोर्ट से घर ले आओगे सो स्वीट लड़कियां बहुत स्वीट होती हैं आदित्य यू आर वेरी मीन डार्लिंग मेरे कपड़े बाथरूम में रह गए उन्हें धोके सुखा दोगे या सुखा दोगी मतलब आधे धो दोगे अच्छा मुझे लगा ऐसे किया तो शायद आधा धो के खाएंगे नहीं ओके ओके वेरी गुड ठीक है डार्लिंग मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ मेरे पैर दबा दोगे अच्छा जो मजे वाली बात आई तो ओके डार्लिंग तुम्हारे फ्रेंड या तुम्हारी सहेली के साथ डिनर पे जा सकता हूँ या सकती हूँ ये सवाल लड़के की तरफ से आएगा एक्चुअली है ना तो मतलब जवाब क्या होगा आपका Very possessive. Okay, it's good thing. यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी बीवी को बेबी या बीवियां हैं जो अपने पति को जानू या बेबी कह के बुलाती हैं मैं उनके मुखड़े देखना चाहता हूँ जी सर हमारे यहाँ हमारी बीवी जो है हमको बेटा कह के बुलाती है बेटा हाँ आपकी बीवी क्या आपके पापा की बीवी मेरी बीवी है आपकी बीवी बुलाती है हाँ और वो दूर बैठी हुई है वहां पे भावना जी कहाँ है ओ भाई बाकी तो सब ठीक है संबंध तो ठीक रखो तो आपने ये बेटा शब्द जो चुना आपने अपने पति देव के लिए ये आपको आइडिया कहाँ से आया था प्यार में प्यार में आया ओ भाई तुम भी प्यार में बेटी बोलो अच्छा अभी तो उनकी तरफ से आना बाकी है तो सर आप क्या कहते हैं वैसे जानू बुलाते शाबाश ये लगे रहना बस हटना नहीं हमारी फैमिली आई है हमारी सासू माँ आई है सासू अच्छा चलो उनको तो ठीक ही बुलाते सासू माँ कैसी हैं आप बहुत प्यारी लग रही हैं आप और ये दो बच्चे ये भी आपके हैं नहीं हमारे नहीं है हाँ जी ये हमारे साले के हैं अच्छा मैं मैम आंटी प्रणाम बहुत अच्छा लगा आप आई शो में दो मिनट माइक दे दीजिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप आए कहाँ से मैं पूछना ही भूल गया लखनऊ से आए हैं लखनऊ लखनऊ से जी तो आप मुंबई घूमने आए हैं या नहीं आपके शो के लिए स्पेशली सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू सो मच तो आप मुझे बताइए आंटी जब ऐसे आपकी नई नई शादी हुई होगी जी तो वो तब भी रिवाज था ऐसे बेबी जानू बोलने का जी आप लखनऊ से आए कि अल्ले से कमाल है यार
आज तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है, पर बहुत अच्छा लगा आप सब परिवार आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। वैसे श्रद्धा आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपने किसी को कभी ग्रीटिंग का तो चलो हो गया ग्रीटिंग कार्ड तो, आपने कभी बुलाया ऐसे? कैसे बुलाया? ऐसे बेबी जानू टाइप? हाँ, why not? हाँ, बुला। सारा इंप्रेशन खराब कर दिया तुमने अपना मेरे नजरों में। मत बुलाया करो किसी को, मत बुलाया करो, अभी तुम छोटी सी हो, फिल्म में फोकस करो, मेरी भी दो चार फिल्में आ जाएंगी फिर आराम से अफेयर शुरू करेंगे। नहीं नहीं कभी, मैं हमेशा आपके शो में आती हूँ, हमेशा पेट में दर्द हो के मैं घर वापस जाऊँ। हॉस्पिटल भी है? नहीं, ये हॉस्पिटल इसमें हम जाते नहीं भाई। जाने दे मुझको आज बाहों में भर लूं, है अधूरा सा जो तुझ में पूरा कर दूं, तू जिस्म है तो रूह सा तुझ में कहीं रह लूं, तू जिस्म है तो रूह सी तुझ में कहीं रह लूं, नजर आहो तुझसे फासला यूं प्यार में कर लूं, तू जिस्म है तो रूह सी तुझ में कहीं रह लूं। यहाँ पे मेरे पे बेबी शावर कर रहा है तू, अंदर जाके पेशेंट से हफ्ता लो, चलो यहाँ से। What's up? Hello, Janu. Hi. It's just time waste. No problem. We will talk. तुम्हारा हाथ भूतों की तरह ऐसे चला गया था। Yes. What's up? आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। Yeah. Dumb and dummy. बहुत beautiful. पहली बार आई हो एपिसोड में, तारीफ कर रहे हैं तुम्हारे। छा गई तुम। तुमको पता है कपिल शर्मा ये मुझसे जुबान नहीं लड़ाती, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने ना दुनिया को बता देना कि ये गंजी है। हेलो बेबी जस्ट चिल। हाय श्रद्धा, हाय आदित्य, दिस इज डॉक्टर मिश्र। ये क्या कर रहे हैं आप सर? आपको शर्म नहीं आती? पहली बार तुम्हारा अटैक मेरे काम आया। डॉक्टर साहब एक फिल्म में आप उसके पापा बने थे, आपको शर्म आनी चाहिए, चाहे फिल्म में बने थे। इधर आ बैठिए, इधर इंट्रोडक्शन यहाँ से दीजिए आप। तो फिल्म में चार लड़कियों के हस्बैंड बने थे, अकेले हर लड़की पे लाइन मार रहे हो तुम। फिल्म का क्या होता है? इतनी क्रिएटिविटी करने क्या जरूरत थी, अंडरवेयर फाड़ के ही हो लिखा है। ये सिल्क अंडरवेयर कौन पहनता है भाई? अंडरवेयर नहीं है, बताओ उनको क्या करने आयो। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, IPL। IPL मतलब? IPL मतलब नहीं पता, सोनी टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं ये। क्या IPL मतलब? IPL मतलब इतने प्यारे लोग। आपने फिल्म में बहुत रोमांस किया है। हाँ जी, राइट, यस। तो मेरा भी कुछ अगर आप करवा दें तो। क्या करवा दें? मैंने आपकी नजर में कोई लड़की है? है ना, नजर में है, जिगर के पास है। कौन? तो अपना दीपिका पादुकोण ले लो। दीपिका पादुकोण का मतलब क्या है? उसको कैसे ले लो भी? क्यों आपको शर्म नहीं आती? ऐसे कैसे चिड़े जैसे बाल रखे और आप दीपिका पादुकोण का नाम ले रहे हैं पागल से? HMMM। क्या है HMMM? वो सोचने वाला होता है ना, वो HMMM। ऐसे सोचते ना। मैंने आपकी फिल्म ओके जानू का वो ट्रेलर देखा। हाँ डॉक्टर साहब, आपका तस्मा बंधा हुआ है, पैंट भी बंधी हुई है। बोल दो। आपने उनकी फिल्म का ट्रेलर देखा है? Yes. तो देखने के लिए बनाया ना उन्होंने? Yes. और लोग सूंघते हैं?
मैं फिल्म नहीं देखता बट आई विल वॉच योर फिल्म यू विल वॉच इट प्लीज वॉच इट ओके सो गिव मी द टिकट आप इतने प्यारे कपल से मिलने आए हैं आप काफी रोमांस कर रहे हैं पिक्चर में काफी ये लव स्टोरी है या सो मेरे को भी थोड़ा लव करना सिखाइए रोमांस करना सिखाइए कैसे रोमांस करते हैं कैसे सिखाइए इतनी खूबसूरत लड़की उसके लिए तो आपको गिफ्ट लाना चाहिए था ना कोई मुंह उठा के आ गया तो दे दो ना अपना फोन सजेस्ट कर रहे हो तो गिफ्ट लाना चाहिए था गिफ्ट मैं लेके आया हूं मैं फालतू आदमी नहीं हूं एज अ डॉक्टर आई वांट टू गिव यू दिस थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है 150 रुपए दे दीजिए 150 का है 50 रुपए का होगा मुश्किल से हाँ तुम तो बेचते हो ना तुमको रेट पता है इसका कितना है 150 का तो नहीं है ये आप शर्म नहीं आती आपको इतनी खूबसूरत लड़की से पैसे मांग रहे हैं आप ओह सॉरी आजकल तो कैशलेस का जमाना है लड़की स्वाइप कर दीजिए ये ना इंडिया अभी कैशलेस हुआ है डॉक्टर साहब पहले से ही सेंसलेस शेमलेस केयरलेस कैरेक्टरलेस बोनलेस भी कह दो खास लोग जब बात कर रहे हैं बीच में नहीं बोलना चाहिए मैंने आपका नंबर टाइप करके ना आपके पैसे निकाल लेने क्या निकाल लोगे आपको पता है नया चीज आ गई मशीन में क्या मैं यहाँ से टाइप करके आपके पैंट भी उतार सकता हूँ तो फिर आ जा करो मेरे बाथरूम 9 बजे सवेरे भाई तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद आई है तू यार 9 बजे नहाते आप नहीं इतना तो मैं कभी भी नहीं आता हूँ जितना इसरा था मैं इमेजिन कर रहा था तो तू बाथरूम में गया हुआ है और क्या क्या हो रहा है डॉक्टर साहब आप फिर अब इधर ही बैठे हैं आप यार मैं और किधर बैठूं बताओ ओके खैर छोड़ो रोमांस के बारे में सिखाइए कि कैसे करते हैं वगैरह डॉक्टर साहब मुझे एक आइडिया है Yes, yes. Okay, let me try. Okay? Okay. Come. First of all, hold the hand. Okay, मैं hand fold कर लेता हूँ. आपने नहीं वो आपको दिखा रहे हैं. वो आपको दिखा रहे हैं. तो मैंने अपनी मनुष्यता ना बीच में पहले लगा दिया कर रहे थे. Okay. Excuse me. ये महंगा सौदा पड़ेगा आपको रुमाल 20 रुपए का कॉफी 200 रुपए की है समझ आ गया आपको ऐसा आ गया हाँ कुछ तो आ गया तो लड़की का नाम तो बताया नहीं आपने लॉटरी आई लाइक हर हाँ शी आल्सो हेट्स हिम या लॉटरी आ गई रुमाल ऑल द बेस्ट वाह अरे हेलो सॉरी आपका रुमाल गिर गया आपका है चलो कॉफी पीने चलो मैं मर्दों का रुमाल नहीं रखती हूँ डॉक्टर साहब आपने भी आधी बात सुनी रुमाल आपका रुमाल गिर गया मर्दों का रुमाल को लड़कियों का रुमाल दो ना उसको मेरे को तो लगा था इम्प्रेस हो जाएगी तो इम्प्रेशन देगी मैं एक और आइडिया भाजी आपको आशिकी फिल्म अच्छी लगी या जैकेट वाला मोमेंट यू रिमेंबर जैकेट मोमेंट I remember only that moment. Okay, so I will show you that moment. Okay. 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 Dekha jo tumhe dil ye beqarar ho gaya. Ho jaane jaana humko tumse pyar ho gaya. Pehli nazar mein tum pe dil nisaar ho gaya. Ho jaane jaana humko tumse pyar ho gaya. Ho jaane jaana humko tumse pyar ho gaya. Knock knock. knock knock. अरे दरवाजा खोलो गाना खत्म हो गया. ऐसा कुछ. दरवाजा. क्या है? हमारे साथ तो कभी मंदिर भी नहीं जाती उनकी जैकेट में चली गई फटाफट. पाप लगेगा तुम्हें एक मिनट आपने जो सिखाया है बट आई नीड टू ट्राई दैट आउट
श्रद्धा प्लीज आप आइए, मैं आपके साथ कुछ। आप फिर किस गलती कर रहे हैं आप? क्या गलती? आपने देखा नहीं कैसे लेके गए लॉटरी को? प्यार से आंखें बंद करो, मैं लेके आता हूँ। आंखें बंद करके तो मैं तुम्हारे साथ ना कर लूं। आंखें बंद करके कर लूं। मारा पता नहीं है तुम कितनी टीचरबाजी करते हो। मैं नहीं डॉक्टर साहब, फील आता रोमांस का, आप समझते क्यों नहीं है? पक्का रोमांस का पूरा। क्यों कुछ लड़की बोल रही? चलो उसकी बात मान, प्लीज आंखें बंद कर लीजिए। प्यार अंधा होता है। बिल्कुल। हाँ तो वही तो, वही इसीलिए तो बोल रही है। मेरे लिए इधर आइए ना आप, डॉक्टर साहब आप जाइए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ पहले पहले आप जाओ डॉक्टर साहब, जैकेट दे दो जरा। हाँ तो डॉक्टर साहब आपने आंखें बंद करनी है, जैसे श्रद्धा आपके पास आएगी आपने फिर जैकेट डालनी, ठीक है? ठीक है, आंखें बंद कर लो फिर। आंखें मैंने बंद कर ली। वेरी गुड, मैं यू आई, बस आई। ये आराम से वॉक करके आए, पीछे से वॉक करके आते हैं। दिल निसार हो गया वो जाने जाना, हमको तुमसे प्यार हो गया वो जाने जाना, हमको तुमसे प्यार हो गया। आप में से बदबू क्यों आ रही है? ऐसी श्रद्धा होना तो भगवान से मेरी श्रद्धा खत्म ही हो जाए। फोटो खराब करते हो, मेरी पिक्चर क्यों खराब कर रहे हो? अरे वेरी मीन। नहीं दास जरा पाइए, अब मैं आपके साथ ही डांस करूंगी। ओके वंस अगेन म्यूजिक। हमारे शो के फोटोग्राफर हैं और आपको एक खुशखबरी देने दास दादा, एक खूबसूरत मोबाइल है मैं आपको देना चाहता हूँ। देना तो मैं तुम्हें भी एक मोबाइल गिफ्ट चाहता हूँ, कल मेरे को याद दिलाना, ठीक है? आज मैं दास दादा दे देता हूँ। दास दादा ये रखो। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप अभी तक मरे नहीं? चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो सुनो मेरे साथ आ जाओ, मैं आपके लिए, आ जाओ आ जाओ, मैं आपके लिए हंसने वाले इंजेक्शन। ये ले जाओ अपनी बाल्टी। चलो चलो ठीक है आ जाओ, जाओ बेटे थोड़ा मांग मूंग किया होगी। ये तो ले जा पत्थर वाली, और तू ले गया पीछे। हेलो आदित्य। हेलो सर। हाय श्रद्धा। हेलो। अच्छा लेके चाय आया, कॉन्फिडेंस देखो तो। चंदू ये लेके क्या आया तू? देखो सर शर्मा जी, आज से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने 5-स्टार वाली फैसिलिटी देनी है, इसलिए मैं 5-स्टार की तरफ बैटी दिया करूंगा। ओए बेवकूफ आदमी, बैटी मतलब 5-स्टार में बेड लगा होता है तो उठते ही चाय मिल जाती तो बैटी। लेकिन मेरे उधर कोई क्यों सोएगा? उधर सोने के लिए जगह भी नहीं, कुत्ते सोते हैं उधर।
उनको मैं चाय पिलाता हूँ, वो आगे से काट लेते हैं। अच्छा बाजी एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं जैसे कुत्ते वो नहीं कुत्ता मैं हूँ। खैर अपना दित्य जी, अपना शक्कर कितनी मुट्ठी लेंगे आप? मुट्ठी नहीं होती बे, चम्मच होता है, मुट्ठी शक्कर। देखो चमचागिरी में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। छोटा आदमी गरीब आदमी भाई, हाथ की मेहनत की कमाई खाता हूँ मैं जी। हाँ जी, कितनी मुट्ठी? पाउडर मुट्ठी। ओए अमीर आदमी है, वो कम लेते हैं शक्कर। यही तो प्रॉब्लम है, हर चीज के लिए इनके पास पैसे होते हैं, शक्कर कम क्यों लेते हैं ये? सिक्स पैक बनाना होता है सर। क्या बात है, उसके लिए लेते हैं। अच्छा वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं ये गरीब है या अमीर है, ये बहुत अमीर है पाजी। ये खुद देखो आदित्य राय कपूर, नाम से पता चलता है। भाई देखो सिद्धार्थ राय कपूर, भाभी देखो विद्या बालन राय कपूर। भाई राय नहीं है, रॉय 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 विद्या बालन रॉय कपूर। भाभी देखो विद्या बालन रॉय कपूर। अब ठीक है, ऑफ कोर्स। तीन लोगों ने 12 तो नाम रखे, अमीर नहीं हो गए? मेरा देखो बाजी अकेले का चंदन प्रभाकर था, पीछे चंदू रह गया है। वैसे शर्माज भी आजकल डूइंग वेल इन इंडस्ट्री। शर्मा है लेकिन बाजी वो शर्मा अमीर नहीं लगते। क्या बात कर रहा है, अनुष्का शर्मा अमीर नहीं लगती? ओ नहीं बाजी, लेकिन मैं वो और शर्मे की बात कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि वहाँ पर ऊपर जो नंबर प्लेट है वो पढ़ो। अब बेवकूफ आदमी, नंबर प्लेट नहीं होती। कितनी बार कहा तेरे को शो का टाइटल है वो? ये पुरानी चीजें निकलती रही, तेरे दिमाग से निकलता नहीं। जो तू स्कूटर की नंबर प्लेट लिखता था उससे निकल, अभी तेरा नया काम है। मेरी बात सुनो, जो स्कूटर के पास जो 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 स्कूटर का मैकेनिक था ना, उसके पास मैं पेंटर का काम करता था। पेंटर का, जैसे मकबूल भी था इसान के साथ पेंटिंग की। हे सोनी साहब, सोनी साहब तेरा दिमाग खराब। सोनी टीवी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सोनी के ओनर का नाम भी सोनी होगा। कोई तो साहब बैठेंगे होंगे उधर। प्लीज मुझे बोले सोनू साहब, मेरी यहाँ कोई नहीं सुनता, आप मुझे अलग से शो दे दें। हो सकेगा तो मैं आपकी गाड़ी भी दे दूंगा। क्या आदित्य राय कपूर जी? राय फिर बोला। आदित्य राय कपूर जी, हाँ। मैंने आपकी पिक्चर देखी थी दावत इश्क, वो जो ढाबे का आइडिया था ना, वो मैंने आपसे वहीं से लिया था। अच्छा इसका, हाँ अच्छा वो भी वहीं से आया था आइडिया? हाँ जी। इसको खुद को कुछ नहीं आता, पसीना भी घोड़े का आता है इसको। और जब इनको गधे का आ सकता, मुझे घोड़े का भी नहीं आ सकता भाई। ये भी कटेगी। वही बात, आज दिन खराब है भाई कपिल का। नहीं नहीं, कल सारा जो इनके लिए बनती है वो कटेंगी ना, रिहर्सल में कुछ और करते हैं, यहाँ पे आप कुछ और बोलते हैं। शरे आम काटा जाएगा और कुछ डर के श्रद्धा, मैं आपसे श्रद्धा, श्रद्धा नहीं श्रद्धा, श्रद्धा ही बोला है, श्रद्धा है श्रद्धा। तू सब्जी मंडी में बैठा हुआ है। श्रद्धा श्रद्धा ये ठीक है, श्रद्धा श्रद्धा जी ये ठीक है। हाँ हाँ श्रद्धा, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। मांगना तो हमें पता होता, तू काम बता, मांगना तो तेरा फिक्स ही है। देखो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि जो मेरी जो चाय है वो 250 रुपए की बिके। 125 कप बेचा कर। 125 कप 2 रुपए की चाय, 250 रुपए तेरा पूरा। शर्मा जी मैं एक कप 250 की बात कर रहा हूँ। 5-star होटल की तरह एक कप 250 रुपए का? शराब पी कितनी है? क्यों एक कप 250 का, तेरी कौन चाय पिएगा अभी? क्यों नहीं बिकेगी ना? ठीक है फिर नहीं बिकेगी तो मैंने फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी है। किस पार्टी के साथ? पार्टी बूटी कोई नहीं, बर्थडे थोड़ी मना रहा हूँ इधर। किस पार्टी के साथ? इस बेवकूफ को समझाओ पाजी। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सीधे नहीं होती कभी भी, सीधे पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। अच्छा मतलब ये भी आइडिया कैंसिल? कोई बात नहीं, अगर ये भी आइडिया कैंसिल हो गया, लास्ट आइडिया तो फिर फाइनल ऑप्शन जो मेरे पास है वो क्या? तो फिर होनी होनी है। बॉलीवुड में मैंने एज ए स्टार लॉन्च हो जाना। अब तो तेरे जूते बनते हैं। अब सीधी हाँ हाँ करूंगा मैं, इसका कोई जवाब। क्या कहा तूने? तू हीरो बनेगा? ये सारी बातें आप लोगों को सुन गई है, जो पहले हो रही थी वो नहीं सुनाई दे रही थी। अरे जा 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 जा, ठीक से अपने बीवी को टाइम दे और दोबारा बाप बन। पहला वाला ठीक से नहीं हुआ, पूरा का पूरा तेरे पे गया है। हीरो बनेगा? एक लोहे का थप्पड़ तेजाब में डुबो के लाया जाए, हीरो बनेगा तू? और बाप बनने के बाद बच्चों को डायपर पे ना, नहीं तो शर्ट चेंज करना पड़ेगा आपने। मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर ये हीरो बनेगा तो मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, मैं संन्यास ले लूंगी। हाँ हम चलते हैं पहाड़ों पे, गुड आइडिया। Shut up! You hug me. Shut up! You give me a flying kiss. मैं ऊपर आजा, आजा हम, ऊपर, ऊपर, ऊपर। ये बात करी कैसे?
यार मेरी बात नानी, मुझे भी पता तेरी अंदरूनी शक्ति, इसे मर्दों की तरह पीट। दफा हो जा यहाँ से। मेरी बात सुनो, हीरो बनेगा तू। मेरी बात सुनो, रुको। दफा हो जा। और मुंह से निकल जाता है यार। खोलती भी चाय फेंकूंगी तेरे ऊपर, दफा हो जा यहाँ से। वो ले जा फाइव स्टार। ले जा अपना तीन टप्पर उड़ा चल। यार हद है। हीरो बनेगा। आगे से ऐसी बात की तो। ओके सर, ओके मैम, श्रद्धा जी। ओके ओके जी। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। आदित्य जी। आइए आइए। एक राज की बात बताना चाहती हूँ। किसी ने तुझसे कहा क्या कभी कुछ, तू बिल्कुल इसके नाना जैसा लगता है। सच्ची? अच्छा, क्यूट। सच? मैंने देखा नहीं कभी उनको, ऐसे सुना था कोई बुजुर्ग रहते थे इनके साथ। वेरी क्यूट, लाइक यू। थैंक्स थैंक्स। मैं क्या कह रही थी, श्रद्धा के साथ तो तूने ओके जानू फिल्म कर ली, इफ यू डोंट माइंड मेरे साथ ओके नानू कर लेना। कर सकते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट रेडी है? स्क्रिप्ट की क्या? सपोर्ट देने का। नानी तू टूट जाता है, जुड़ना लेट है इस उम्र में। नानी ऐसा नहीं था नाना। सॉरी मैम, सॉरी। नानी इतने छोटे से उम्र के लड़के को ऐसे बोलती है? अरे मैंने देखा था फिल्म ट्रेलर में, देखा ये ऐसे ऐसे कर रही थी तो पीछे खड़ा था। आदित्य हट गया। सॉरी मैम। आदित्य कभी से मेरी नानी आया को डांस करने को बोले नहीं, पता क्यों? आपका कुछ नहीं जाएगा। ये कभी कभी ज्यादा तेज नाचती है ना तो मैं नानी बिखर भी गई थी एक दो बार। इतने श्रद्धा, हमारे शो में जैसा अक्सर होता है, हम लोग फेवरेट स्टार्स जो होते हैं हमारे, जो दर्शक यहाँ पे आते हैं, उनसे लाइव बातचीत करने का मौका देते हैं। ओह कम ऑन स्वीट हार्ट। यस, हेलो ब्लैक ब्यूटी। हेलो, My name is Reshma. I'm not everyone. I'm special one. You are indeed a special one. Oh, international fan. Yeah, Hindi boli. Oh my God, where are you from? I'm Reshma from New Zealand. New Zealand? Ji. I love New Zealand and the people of New Zealand. Thank you. New Zealand mein kuch naya hai. So, we are coming very soon. Yeah, I hear that. Yeah, looking forward to having you in our beautiful country, Kapil. So sweet. So, phir idhar kyun aaye? Udhar ticket bach jati hai, ab udhar hi rakhte. To ye mohal nahi hota na. Par bahut acha lagta hai. Pata, aap jaisi beautiful ladies aati hain show mein, Sidhu bhaji ka dil laga rehta hai. Aapne bola ki Sidhu ji ke liye special, aapke liye nahi. मैंने सुनना, मैं यही चाहता था, मैं खाली चेक कर रहा था। तो जी आप मैरिड हैं? जी मैरिड तो नहीं हूं, पर कोई एक है जिस... बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात। I love this। नहीं पर आगे सुनना। I love unmarried। आगे सुनना नहीं कुछ unmarried। मैं बोल रहा हूं, वो कह रही है कोई एक है जिस पे उनका दिल आया। तो पहले बता देते, मैं फालतू में लगा हुआ इतनी देर। अच्छा तो आप, अच्छा कोई है एक? कोई है जिसको देखने के लिए मैं एवरी संडे एंड मंडे न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड इवनिंग लुक फॉरवर्ड करती हूँ टीवी पर। उसका नाम है कपिल शर्मा, खटाक। जी तो आपको कोई है स्पेशल? जी कोई तो है। क्या क्या बुलाती हैं आप? मैं उनको जब भी देखती हूँ तो मेरे जुबान से एक ही बात निकलती, एक ही वर्ड निकलती है, वो है स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट। नहीं नहीं मैं कंफर्म कर दूं, पता क्यों? अगर मैं आपको थैंक यू बोल दूं, बाद में आप कहें नहीं नहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड की बात करनी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप सीरियसली मेरी बात कर रही हैं? ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, आई लव दिस काइंड ऑफ कमेंट। मैं अपने स्वीट हार्ट के लिए कुछ लाई हूँ। गिफ्ट लेके आई है? सो स्वीट, आपको कैसे पता मुझे जरूरत थी? सो स्वीट, थैंक यू।
थैंक यू सर यार, कितने प्यारे लोग हैं, इनके लिए तालियां। वेल डन। देख रहा हूँ बीच में न्यूजीलैंड डॉलर तो नहीं कोई नहीं है। और मेरे कोई दोस्त जी। नमस्ते कमल पाल जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाय श्रद्धा। हाय। हाय आदित्य। हाय। हाय करके बुला रहे हैं उनको। कहाँ से कर रहा हूँ? मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। अच्छा। और मैं श्रद्धा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। श्रद्धा जी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मुझे और श्रद्धा जी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और आज मेरी दिली ख्वाहिश है कि आज मैं श्रद्धा के साथ आशिकी 2 का वो जैकेट वाला सीन करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो कपिल पाजी। अच्छा, मेरे जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं हम लोग, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ जब भी आपके यहाँ पे चहेते स्टार्स आते हैं तो आप मतलब जैकेट ठीक है मतलब, पर ऐसी ऐसी डिमांड ना करें। जैकेट मैंने 3 साल से संभाल के रखा था। जब आशिकी 2 रिलीज हुई थी तो मैंने खरीदा था कि कभी ना कभी मैं श्रद्धा के साथ ये जैकेट ऐसा करूंगा। नहीं पर आप 3 साल पुरानी हो गई, आज मौका मिला है। आशिकी 2 जैसे रिलीज हुई थी मैंने खरीद लिया था। आप बड़े बदतमीज हैं, आप आगे से बहस ही करते जा रहे हैं, बहस ही करते जा रहे हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो करते हैं आपस में, वो दोस्ती है उनकी जी, वो उनके साथ अगर फिल्म में किया है उन्होंने और वो फिल्म होती है, टीवी है यहाँ पे, थोड़ा आप तरीके से आप बैठ जा शर्म आनी चाहिए आपको। आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है? चलो पढ़ा लिखा हूँ। हैं? पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। चलो चलो, आपको इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना कि कैसी बात करनी चाहिए कैसी नहीं। चल कभी लेके चलना उन्हें, छट पुलिस बुलाओ। इधर आ यार, क्या कम यू फेल मैन, बहुत स्वीट है यार। हाउ आर यू चंद्र प्रकाश? तू बड़ा क्यूट है यार। मैं तो ऐसे मुझे लग गया अभी ये बंदा क्यूट है, इसको डरा सकता हूँ, बाकी मेरे से कोई नहीं डरा आज तक। यू आर द फर्स्ट वन सर। मैं तुम्हें इसी खुशी में फोन दे सकता था, मेरे पास है नहीं सर। आपकी इज्जत रखने के लिए डरना पड़ा मुझे। थैंक यू दास दादा, आपके पास तो है फोन, आपने किसको करना है इस उम्र में? नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं, रखो दास दादा, ऐसे सर, मुझे दे दो, मुझे जाता। जरूरत है। नहीं नहीं, आपको मेरे को भी जरूरत है, बड़ी मेरे को। बड़े अंकल क्या यूज करेंगे? उनके लिए तो सिंपल सेट काफी है ना। मुझे तुम्हारी भी मुझे कंडीशन लग नहीं रही कुछ करने वाली। आ जाओ प्लीज भैया, यू कैन आस्क श्रद्धा मतलब म्यूजिक। जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है, जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है, मन में झरने बहते हैं, हो कोई मन या मन न सजे, जब दो दिल मिलते हैं तब ऐसा होता है। ओए मेरी बात सुनो। कैसा तुम्हारा घूंघट जैसा मुंह है, जैकेट लेके तुम श्रद्धा से ज्यादा शर्मा रहे थे, कर जैसे दीवार में नहीं माथा मान लगा कि अब मैं मारूंगा टक्कर। पर यू आर सो स्वीट चंद्र प्रकाश, वेरी स्वीट। मैं तुम्हें एक और मोबाइल गिफ्ट दूंगा, ये श्रद्धा के हाथ से दिलाऊं आपको, अच्छा लगेगा। हैं? मेरे हाथ से नेटवर्क नहीं आता, चलो। थैंक यू सो मच। जोरदार ताली एक बार आदित्य राय कपूर और श्रद्धा कपूर के लिए। आदित्य ये बात तो एक्चुअली बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है। सो वी विल टेक अ सेल्फी। या आई एम वेटिंग फॉर दैट। यू जस्ट सी हाउ फोटोजेनिक एज अ डॉक्टर आई लुक। एवरीबॉडी लुक इन द कैमरा, सी द ब्राइटनेस। हां जी, आपका मुंह आ रहा है, आप बाहर हो जाओ। फोटो में मुंह ही आएगा और क्या, मेरा और आगे आ सकते हैं एक्चुअली। मेरा सिर नहीं कटना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग भी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखें, खुश रहें, खुश रखें।
और देखते रहेंगे द कपिल शर्मा शो। बेचैन कर गया हमें आपका।